हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर पहुंचे हुए हैं आसिफ भाई के पास, और आसिफ भाई अपने जानवरों के लिए फीड देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीड है इनका, और बहुत ही कम कॉस्टिंग पे ये फीड तैयार करते हैं अपने घर के अंदर ही, और जिसका मतलब इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि करीबन आसिफ भाई का मानना है कि एक महीने के अंदर बकरी का 10 से 15 kg वेट अपने इजिली गेन कर सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल फीड कॉस्टिंग पे। नमस्कार आसिफ भाई साहब। नमस्कार जी। आसिफ भाई, जो आप फीड इन बकरियों को देते हैं, हाँ जी, कि ऐसा है कि आप इतना जबरदस्त फीड देते हैं, तो कम कॉस्टिंग में देते हैं जी सर, और दूसरा है कि जल्दी फर्स्ट है जो वेट गेन करती है, तो ऐसा क्या फीड है आसिफ भाई, थोड़ा हमें ये बता दीजिए। ये चीजें होती है दो, एक तो गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए। जी, गर्मी के लिए अलग से रहता है, सर्दी के लिए अलग। बिल्कुल अलग से रहता है। सर्दी के अंदर कोई भी जानवर वेट ज्यादा करता है, ठीक है, और गर्मी के अंदर वेट कम करता है, ठीक है, और गर्मी के अंदर ज्यादातर हम तो ये पहली बात, जितना उसको ठंडा दे सकता दो। अच्छा, गर्मी के अंदर है। जितना ठंडा दे सकते हो, जैसे ये तो आपके सामने ही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। हर किसान के पास ये तो ज्वार रहती रहती है। हाँ, सबसे ज्यादा ये दो, ये ठंडे कारण, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ये चूरी, ठीक है, इसको हम भिगो के रखते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छा, इसके अंदर कई चीजें मिक्स है। क्या क्या भाई? इसके अंदर चने की चूरी हो गई, चने का छिलका हो गया, और 2 पीस का होगा जो हो गया है। हाँ, वो हो गया। सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर थोड़ा अलग अलग फीड हो जाता है, अलग अलग फीड हो जाता है। ये गर्मी का फीड बता रहे हैं, ये गर्मी का फीड है। इससे ये भिगो के देना चाहिए, भिगो के इससे पता क्या होता है, एक तो ठंडा रहता है, एक इससे ना मतलब जानवर खाता भी अच्छे से। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे से जानवर खाता, कोई भी जानवर इसको खिला के देख लो चाहे, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से खाएगा। डाल दीजिए, आ जाओ, बहुत जो भी जानवर वो आराम से खाएगा भाई। अच्छा, देखो वो, देखो मुंह भर भर के खाएगा। ये चीज है, आसिफ भाई ने बताया कि इसके अंदर एक तो चना ये, हाँ, ये इसको हर जानवर को अपने अपने हिसाब से देते हैं हम। अच्छा, कितना कितना डालते हैं? ये देख सकते हो आप, जो जितना जानवर खा सकता है उतना देते हैं। हाँ, उतना। ये नुकसान तो नहीं करता ज्यादा? नहीं, भाई ये कोई नुकसान नहीं करता। जैसे कि बहुत से भाई बोलते हैं कि अफरा वगैरह आ जाते हैं। नहीं नहीं, इससे कोई अफरा तफरा कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी बात पता क्या है, जानवर गेहूं ज्यादा खा लेगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी पेट के अंदर, ठीक है, दस्त उपजाना होना चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। इससे बकरा बकरी जो भी उसको दस्त नहीं होगा। अच्छा, दस्त नहीं होगा? सबसे बड़ी बात, दस्त होगा ही नहीं इससे, दस्त नहीं होगा, दस्त नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा गेहूं ज्यादा खाने से बकरे को दस्त हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इससे दस्त नहीं होगा, इससे दस्त नहीं होता। इसमें आपने 3-4 आइटम है जो मिलाई हुई है सर। हरा चारा भी आप देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो आसिफ भाई, हरा चारा किस टाइम पे, इवनिंग टाइम पे डालते हैं? भाई हमारा तो दोनों टाइम चलता है। अच्छा, दोनों टाइम ही डालते हैं जी सर हमारा। और सूखा चारा? सूखा चारा भी चलता है सर, वो शाम के टाइम, शाम के टाइम चलता है सर। अच्छा, सूखा चारा वो शाम के टाइम? हाँ, बहुत कम डालते हैं, बहुत कम, ना मात्रा की जगह सर। अच्छा, सूखा चारा कम क्यों डालते हैं आसिफ भाई? सूखा चारा गर्मी बहुत है भाई। अच्छा, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा गर्मी कर रहा हूँ ये देखो। तो आसिफ भाई, अगर कोई किसान भाई हमारा सूखा चारा डालना चाहे गर्मी के मौसम में, तो कौन सा सूखा चारा डाले? हमारे तो यहाँ पर गेहूं मतलब ग्वार का भूसा चलता है भाई। आपके यहाँ इधर ग्वार का ज्यादा भूसा चलता है? हाँ, ये देख सकते हो, ठीक है। गर्मी और सर्दी दोनों टाइम ही चलता है ग्वार का भूसा? दोनों टाइम सर, दोनों टाइम, ठीक है, सभी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये अब ये बकरियां, ये देखो कमजोर सी बकरियां, फिर भी देखो इनका पेट देखो सबका, सही है बिल्कुल, इनमें फर्क बहुत होता है। अब ये जो बकरी नई नहीं आ रही है, बकरी खाएंगी। साथियों बिल्कुल आप चेक कीजिए, आसिफ भाई के टोटली जानवर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। सभी के सभी जानवर अच्छे हेल्थी जानवर हैं, बहुत ही शानदार जानवर है इनके पास, और सभी की सभी टोटल बकरियां गबन है आसिफ भाई के? हाँ, टोटल बकरियां गबन है भाई, ठीक है, सेल के लिए है, टोटल बकरियां गबन है भाई अपनी। सेल भी कर देते हैं आसिफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल, सेल भी करते हैं। अच्छा, तो आसिफ भाई इनके अंदर जो भी किसी भाई को अगर चाहिए हो, तो सेल के लिए भी कर देते हैं आसिफ भाई, ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए नहीं है। और जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले पे आसिफ भाई का शो हो रहा है, तो किसी भाई को अगर जानवर चाहिए हो तो इनसे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या फीड देते हैं आसिफ भाई? इसके अलावा गेहूं, मक्का, और ये तो अपना गेहूं तो अपना लगातार चलता ही रहता है भाई। गेहूं चलती रहती है? बिल्कुल चलती। मक्का किस टाइम देते हैं भाई? मक्का तो हम देते हैं शाम को ज्यादातर, शाम को। अनाज जितना भी दो जानवर, बकरा या बकरी, इसको शाम को देते हैं भाई। अच्छा, अनाज है जो शाम को देने का ये पर्पज होता है कि सारी रात बकरी उबाली रहती है और सुबह वो पच जाता, मतलब पाचन शक्ति होती है। शाम को आप देने का मतलब ये है कि पूरी रात वो जुगाली करती रहती है? जुगाली करता है, पाचन शक्ति उसकी मतलब कमजोर नहीं होती, ठीक है। और अगर मतलब पचाएगा नहीं तो सुबह अगर वो दस्त करेगा तो बाहर निकाल देगा, ठीक है, उसे फिर बाहर नहीं निकालेगा हैं? जी।
ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे भाई आपका, जो आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अपना नंबर एक बार बता दीजिए ऐसे भाई। मेरा नंबर है 9694123893। ठीक है, एक बार दोबारा बताइए, 9694123893। ठीक है, ओके साथियों, जो ये फीड की जानकारी है हमने आपको दी है, और किसी भाई को अगर इस टाइप से फीड देना हो तो अच्छी आपकी बकरियां ग्रोथ करेंगी बिल्कुल लो खर्च के अंदर, और इनका अच्छा वेट गेन भी होता है, और लगभग लगभग जानवर आप ऐसे भाई का चेक कर सकते हैं, सभी के सभी जानवर बिल्कुल हेल्थी है। गर्मी के मौसम में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी जानवरों का वेट नहीं टूटा हुआ है, तो आपके सामने लाइव रिजल्ट भी है। और चैनल पे अगर पहली बार है जो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।